महात्मा बुद्ध जो ने धरती पर आपन पहले कई जीवन बिताईन वहे धरती पर साए आज प्रदेश के नव मेडिकल कॉलेजन का उद्घाटन है। महात्मा बुद्ध का पावन धरती सिद्धार्थनगर में हम आप सभाए का प्रणाम करित है। महात्मा बुद्ध जो ने धरती पर आपन पहले कई जीवन बिताईन वहे धरती पर साए आज प्रदेश के नव मेडिकल कॉलेजन का उद्घाटन है। स्वस्थ और निरोग भारत के सपना पूरा कर बदे ई एक बड़ा कदम है। आप सबके बधाई। आज का दिन पूर्वांचल के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आरोग्य की डबल डोज लेकर आया है। आपके लिए एक उपहार लेकर आया है। यहां सिद्धार्थनगर में यूपी के नव मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो रहा है। इसके बाद पूर्वांचल से ही पूरे देश के लिए बहुत जरूरी ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना शुरू होने जा रही है। साथियों, जिस पूर्वांचल को पहले की सरकारों ने बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था, वही अब पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। अब देश को बीमारियों से बचाने वाले अनेक डॉक्टर ये धरती देश को डॉक्टर देने वाली है। जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया था, वही पूर्वांचल, वही उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। साथियों, यूपी के भाई बहन भूल नहीं सकते कि कैसे योगी जी ने संसद में यूपी की बदहाल मेडिकल व्यवस्था की व्यथा सुनाई थी। योगी जी तब मुख्यमंत्री नहीं थे, वे एक सांसद थे और बहुत छोटी आयु के वो सांसद बने थे। और अब आज यूपी के लोग ये भी देख रहे हैं कि जब योगी जी को जनता जनार्दन ने सेवा का मौका दिया,
तो कैसे उन्होंने दिमागी बुखार को बढ़ने से रोक दिया। इस क्षेत्र के हजारों बच्चों का जीवन बचा लिया।